हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुहेल। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि मेरा हर नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे। तो इस वीडियो में अगर आप पेट्स लवर हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा टॉपिक लेके आए हूँ इस वीडियो में। अगर आप कैट को आप अगर पाले हुए हैं तो आप अगर अपने कैट को एक ही फूड बार बार प्रोवाइड करते हैं तो बार बार वो खा खाते बोर आ जाती है, तो वो फिर फूड खाना बंद कर देती है, उतना इंटरेस्ट नहीं दिखाती है, बहुत कम खाना शुरू कर देती है। तो आप अपने कैट को जो है डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी का खाना खिलाते रहिए, क्योंकि एक ही बार बार एक ही फूड प्रोवाइड करते हैं तो कोई भी हो, चाहे इंसान हो चाहे जानवर हो, तो उसको ये अच्छा नहीं लगता है। तो मैं आज आप लोगों को इस वीडियो में दिखाऊंगा कि मैंने क्या अपने कैट के लिए कुछ डिफरेंट खाना बनाया है, तो आप लोगों को दिखाऊंगा इस वीडियो में, और साथ ही साथ मेडिसिन भी कैसे खिलाना है ये भी बताऊंगा। तो बने रहना इस वीडियो के साथ। तो मेरे पास ये रोटी है, ये रोटी मैदे का है। आप नॉर्मल आटे का भी रोटी लेके आप इस तरह से टुकड़े टुकड़े करके इसको पीस पीस कर लें पहले एक प्लेट में। उसके बाद आप देख रहे हैं मेरे पास एक विश्कश का टेस्टी मिक्स है, तो आप इसमें ग्रेवी भी आता है, ग्रेवी जेली आपके पास कोई भी हो, आपको इस वीडियो में जिस तरह से मैं दिखा रहा हूँ, तो आटे का रोटी हो या मैदे का रोटी हो, कोई भी रोटी हो उसमें चल जाएगा। तो इस तरह से फाड़ के मैंने इसमें मिक्स कर लिया है। अभी मैं थोड़ा इसमें पानी मिला दूँगा ताकि जो इसका टेस्ट होता है वो रोटी में ऑब्जर्व हो जाए। तो देखिए मैंने पानी भी मिला लिया है, इसको थोड़ा शेक कर लूँगा मैं। शेक करने के बाद इसको पानी में फिर इसी में ही मिक्स कर दूँगा। तो साथ ही साथ मेरी कैट जो है थोड़ा, मतलब अभी उसने कैट डिलीवर की है तो उसके छोटे बच्चे हैं अभी, तो हेल्थी रखने के लिए मैं ये 3 ड्रॉप मिला लेता हूँ, जो कि कैट के हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। ये आपकी कैट अगर बीमार है या उसको कहीं चोट लग जाए, आपको कुछ भी जैसे छोटा मोटा प्रॉब्लम हो जाता है कैट के लिए, तो आप इस ड्रॉप को मिक्स करके फूड में अपने कैट को प्रोवाइड कर सकते हैं। तो देखिए इस तरह से मैंने मिला लिया है इसको। अभी मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगा अपने हाथों से। तो इसको मैं अपने हाथों से मिक्स कर लूँगा। मिक्स करने के बाद इसको 1 से 2 मिनट के लिए रख दूँगा ताकि इसका जो स्मेल है रोटी में भी ऑब्जर्व हो जाए, मिक्स हो जाए अच्छे से। इसका स्मेल जो होता है बहुत हार्ड स्मेल होता है, इसमें नॉनवेज का स्मेल आता है बहुत ज़्यादा, तो इसको कैट बहुत अच्छे से खाती है। चलिए मैं दिखाता हूँ मेरी कैट कैसे खा रही है इसको। तो देखिए कितने अच्छे से, मतलब इसको बहुत ही ज़्यादा पसंद है ये। तो आप भी अपने कैट को इस तरह से बना के देते रहें। रोटी डालने से क्या होता है, उसका पेट भी अच्छे से भर जाता है और अच्छे से खाती भी है, बहुत पसंद करती है इसको। तो आप भी अपने कैट को इस तरह से बना के दें। हफ्ते में 1 से 2 बार आप अपने कैट को इस तरह से देते रहें। बार बार वही फूड खा खा के परेशान हो जाती है, तो आप अपने कैट को इस तरह से हफ्ते में 1 से 2 बार बना के देते रहें। कैट बहुत अच्छे से खाती है, कैट को बहुत ज़्यादा पसंद आता है ये। तो मैं अपने कैट को इस तरह से खिलाता रहता हूँ। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि मेरा हर नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे। तो इस तरह से मैंने अपने कैट को खिलाया है, इंक्लूडिंग उसमें मैंने मेडिसिन भी प्रोवाइड कर दिया है। तो इस तरह से आप अपने कैट्स को डिफरेंट डिफरेंट खाना खिलाते रहिए। इसमें होता क्या है, अगर कैट बार बार एक ही खाना खाती है तो थोड़ा स्ट्रेस हो जाती है, उसको लूज मोशन लग जाते हैं, तो वो बीमार हो जाती है। यहाँ तक कि ऐसा भी होता है कि आपकी कैट मर भी सकती है। कैट को मेडिसिन खिलाना बहुत ही टफ होता है। डॉग को तो आप एक बार खिला सकते हैं, लेकिन कैट को बहुत मुश्किल होता है। तो आप अपने कैट को फूड में भी प्रोवाइड कर सकते हैं, उसमें भी मिला के दे सकते हैं आप लोग, तो कैट आराम से खा जाएगी।
और याद रखना है आपको बराबर अपने कैट को एक ही फूड प्रोवाइड नहीं करना है, अपने कैट के फूड को बार बार चेंज कर करके खिलाते रहना है। आपकी कैट जो है बोर नहीं होगी, हेल्थी रहेगी। तो बस इसी वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।